केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के परिवारों को विभिन्न अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पूर्व में जहां लोग अस्पतालों के भारी भरकम खर्चे के कारण उपचार से परहेज करते थे, वहीं अब वे इस योजना से अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के माध्यम से कई गरीब परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश के कांगड़ा जिला के पालमपुर क्षेत्र के लाभार्थियों का कहना है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से न केवल गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हुआ है, बल्कि इसके माध्यम से उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी प्राप्त हुई है। मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया था, मैंने अपना इलाज कराया, घर वाली का इलाज कराया। बहुत अच्छी स्कीम है ये। मैं पथरी कराया, उन्होंने अंदर कुछ सिर में दर्द जो उसका कराया, बीमार रहते थे। जो आपने स्कीम चली, बहुत अच्छी स्कीम है, इसका बहुत फ़ायदा लिया है। वो भी ऐसी कोई स्कीम देना चाहिए। मेरी माता का नाम संजेश कुमारी है, उनका पथरी का ऑपरेशन हुआ है और आयुष्मान कार्ड के द्वारा, भारत के कार्ड के द्वारा मैं एकदम पथरी का पता चला, तो उसके कारण हमें पैसे इकट्ठे करने में प्रॉब्लम थी, तो भारत आयुष्मान कार्ड के द्वारा हमारी पैसे बच गए और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कांगड़ा जिला में अब तक कुल 50,78,00,000 रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मरीजों को एक साल में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना जो है, ये केंद्र सरकार का एक बड़ा पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत लगभग 2,65,000 जो लोग हैं जिला कांगड़ा में पंजीकृत हैं, और जिसमें लगभग 40,000 लोगों का इलाज हो चुका है, और इसमें लगभग हमने 36,000 लोगों के बीमा भुगतान भी कर दिए हैं, और इसमें लगभग 50 से 55 करोड़ की जो है बीमा योजना जो हमने लोगों को स्वास्थ्य के लिए दी। 2,65,000 के करीब कार्ड बने हैं, जिसमें कि एक परिवार के 5 सदस्य जो है पंजीकृत होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया था, वर्तमान में देश सहित हिमाचल प्रदेश में इस योजना के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट।